24 मई की शाम मीरा रोड के मेगा हॉल में जुनून क्रिएशंस एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से एक और शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम आओ मनाएं जश्न मोहब्बत आयोजित किया गया, जिसमें ऑडियंस में ज़्यादातर हस्बैंड वाइफ कपल्स ने अपने दिल की बात कही और कुछ खट्टी मीठी यादों को भी शेयर किया, जो अपने आप में बहुत अनोखा था, जिसने प्रोग्राम को बेहद कामयाब बना दिया। प्रोग्राम का आयोजन और एंकरिंग जुनून क्रिएशन एजुकेशनल ट्रस्ट की चेयरपर्सन यास्मीन शेख ने किया, जबकि प्रोग्राम के स्पॉन्सर और ट्रस्ट के सेक्रेटरी सलीम शेख ने उनका भरपूर साथ दिया। मशहूर जर्नलिस्ट, टीचर, सिंगर और राइटर नासिर यूसुफ ने भी कपल्स के इंजॉयमेंट के लिए यास्मीन शेख के साथ ना सिर्फ बेहतरीन एंकरिंग की बल्कि कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स भी पेश किए। अदर सिंगर्स में जरीन खान, हनीफ शेख, कविता तिवाड़ी और शबाना शेख ने भी अच्छा रंग जमाया, जबकि शहर की मशहूर म्यूजिक और ड्रामा टीम म्यूजिक टाइम के सिंगर्स डॉक्टर नूर खान, अशरफ खान, दिलशाद, इजहार अंसारी, इमरान अली सैयद और सलाम शेख वगैरह ने भी अपने कपल के साथ ना सिर्फ अपने दिल की बात कही बल्कि बेहतरीन सॉन्ग्स भी पेश किए। चीफ गेस्ट के तौर पर एनकेटी कॉलेज के फाउंडर नांजी भाई ठक्कर, जबकि अदर गेस्ट के तौर पर मैक्सिन ह्यूमन केयर की वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट रिजवाना शेख, अशफाक शेख, रिटायर्ड एओ शमीम मौलवी, रिटायर्ड बीओ नफीसा शेख, लंतरानी मीडिया की चेयरपर्सन मुनव्वर सुल्ताना और शिक्षक सभा के एक्टिव मेंबर और एक्स प्रेसिडेंट रिजवान अंसारी के अलावा बड़ी तादाद में ऑडियंस मौजूद थे। मेरे मन को
सबके दरमियान में एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके, बच्चों को तालीम की तरफ रागिब करना, ये सबसे अहम मकसद है जुनून क्रिएशन एजुकेशनल ट्रस्ट का। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हम लोगों ने BMC स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में कई मोटिवेशनल प्रोग्राम्स किए हैं ताकि पेरेंट्स को और टीचर्स को इस प्रोग्राम की अहमियत पता चले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम की तरफ रागिब हों और एजुकेशन को जो फैलाने का मकसद है वो हमारा पूरा हो सके सोसाइटी। और दूसरा मकसद ये है जुनून क्रिएशन एजुकेशनल ट्रस्ट का कि टीचर्स को आपस में जोड़ना एक दूसरे से, तो इस मकसद को पूरा करने के लिए हमने टीचर्स गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स किए हैं कई, ताकि टीचर्स आपस में मिलें, अपने ख्यालात का इजहार करें और टीचिंग स्किल्स उनकी बढ़ें, ताकि वो जो स्किल्स हैं उनकी वो अपनी पढ़ाई में उसको इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनके भी हमने कई प्रोग्राम्स किए हैं, उनके भी गेट टुगेदर किए हैं ताकि जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो भी आपस में मिलें और खुशियाँ बांटें एक दूसरे में सबके साथ में, जो कि रिटायर्ड होने के बाद में रिटायर्ड लाइफ जो होती है बहुत ही उदासी भरी हो जाती है, तो उस उदासी को दूर करने के लिए इस तरह के हम गेट टुगेदर रखते हैं रिटायर्ड टीचर्स के, ताकि वो आपस में मिले और एक दूसरे से खुशियाँ बांटें। ये अहम मकसद है जुनून क्रिएशंस एजुकेशनल ट्रस्ट का। और आज का ये प्रोग्राम जो हमने यहाँ पर रखा था, इस प्रोग्राम का एक अहम मकसद ये था कि हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में एक दूसरे से जोड़ना मतलब वो पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन आजकल की जो बहुत ही मसरूफियत वाली ज़िंदगी है, तो इस मसरूफियत वाली ज़िंदगी में उनको एक दूसरे से, किसी किसी को तो बात करने का भी वक्त नहीं मिलता, तो एक दूसरे से के ख्यालात जाहिर करना एक दूसरे पर, अपने एक्सप्रेस करना अपने आप को, अपने ख्यालात को। और दूसरी बात ये कि इसका हमारा मकसद था कि आओ मनाएं जश्न मोहब्बत, उनके दिल में जो दबी हुई मोहब्बत है उसको उजागर करना, सोई हुई मोहब्बत को जगाना, ताकि उनके रिश्ते बेहतर और मजबूत हो सके। इसी मकसद को लेकर हमने आज यहाँ पर मेघा पार्टी हॉल में यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा था, आओ मनाए जश्न मोहब्बत जुनून क्रिएशंस एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब हुआ है, बहुत सारे कपल्स यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए और सब ने मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया।